हाइप्लेक्स 2023 के दौरान प्लास्टिक टुडे के एडिटर शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी की मुलाकात यूफ्लेक्स के आशीष सक्सेना से हुई, जिन्होंने हाइप्लेक्स 2023 के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस समय मैं हूँ यूफ्लेक्स के स्टॉल पर। यूफ्लेक्स देश के पैकेजिंग इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी है। हमारे साथ हैं आशीष सक्सेना जी, जो फिल्म बिजनेस के ज्वाइंट प्रेसिडेंट हैं यूफ्लेक्स कंपनी के। आइए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में और यहाँ एग्जीबिटर्स ने इस कंपनी को या और भी कंपनीज़ को किस तरीके की सुविधाएं दी हैं उसके बारे में बात करते हैं। सर, ये जो एग्जीबिशन हो रहा है हाईप्लेक्स, यहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है ऑर्गेनाइजर्स ने, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, हम तो इस इवेंट के वन ऑफ द स्पॉन्सर्स भी हैं, सो हमें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर पोजिशन मिली। आप देखेंगे कि हमारा जो स्टॉल है that is right at the entrance, and we've also been given a lot of visibility through prominent positioning of our logos and signages right at the entrance. इसके अलावा हमें एक और मौका मिला था जहाँ पे कल एक सम्मेलन हुआ था sustainability को लेके, जो plastics का सबसे बड़ा topic है, तो उसमें keynote address के बाद हमें यूफ्लेक्स क्या कर रही है सस्टेनेबिलिटी पे, इसका प्रचार करने का भी मौका मिला था। सो ओवरऑल वी आर क्वाइट हैप्पी। सर, यूफ्लेक्स ने यहाँ किस तरीके की मशीनें डिस्प्ले की हैं? देखिए, यूफ्लेक्स की जो इंजीनियरिंग डिवीज़न है, उन्होंने यहाँ पे अपनी एक सॉल्वेंटलेस यू नो लैमिनेशन की मशीन वो लोग लेके आए हैं। उसके अलावा फिल्म डिवीज़न से हमने हमारी जो भी लेटेस्ट फिल्म्स हैं, सारा जो पोर्टफोलियो है वो हम पूरा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और अपने सारे एक्सपर्ट्स के साथ आए हैं ताकि किसी भी कस्टमर को कोई भी जानकारी चाहिए हो, क्योंकि नाना प्रकार की रिक्वायरमेंट रहती हैं फिल्म्स को लेके, राइट? किसी को बैरियर चाहिए रहता है, किसी को सर्टन हीट सेलेबिलिटी चाहिए रहती है, किसी को ग्लॉस चाहिए, किसी टाइप का फिनिश चाहिए रहता है, तो वो डिस्कशन अच्छे से हो सके उसके लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। इस एग्जीबिशन के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एग्जीबिशन है ये हमारे लिए एक ज़रिया है साउथ ऑफ इंडिया के जो मेजर प्लास्टिक प्रोसेसर्स कन्वर्टर्स, उनको रीच आउट करने की। एंड अब ये बहुत क्लियर हो गया है कि सिर्फ मेट्रो में रह के आप इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते, आपको नॉन मेट्रोज बड़े शहरों में जाके एक्चुअल कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम इस टाइप की एग्जीबिशंस में बहुत खुश हैं आके, और आगे भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।